चलिए जब टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक और न्यू वैकेंसी का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो वैकेंसी आई है इसरो में आपकी नई वैकेंसी 2024 की ऑलरेडी आ चुकी है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या लिमिट रखा गया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन सा आपका पोस्ट आया है, कितना टोटल पोस्ट आया है, सारा कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने इसका अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपको बता दें इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई भर्ती 2024 को ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आपको बता दें जो टोटल पोस्ट आया है 200 प्लस आपका इसमें टोटल पोस्ट आया है। अब आपको बता दें इसमें पोस्ट नेम आपका कौन कौन सा पोस्ट है, इसमें कई सारा विभाग में पोस्ट आया है। हम सिर्फ ऑनली 10th पास वाले के लिए बता रहे हैं, अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। हम सिर्फ ऑनली 10th पास वाले के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें पहला जो है पोस्ट आपका कुक का है, अगर आप 10वीं पास हो और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अभी आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे इसका। इसमें पहला हो गया पोस्ट आपका कुक, अगर 10th पास हो तो आप इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फायरमैन है, इसमें भी आप 10th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी किसी हिसाब में 10th के साथ में कुछ और मांगा गया है, अभी आगे वो प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें है आपका ड्राइवरिंग पोस्ट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें भी आपका इसमें 10th पास रखा गया है। अब आपको बता दें LMV लाइट मोटर व्हीकल, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये नॉर्मल लाइसेंस है, 2-wheeler 4-wheeler जो आम सब लोग बनवाते हैं वो है आपका, और हाईवे लाइसेंस अगर आपके पास है तो ड्राइविंग में। ये दूसरा पोस्ट आपका है, इसमें आप 10वीं पास हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। HMV मतलब हाईवे मोटर व्हीकल, अगर दोनों में से किसी भी कोई भी आपके पास लाइसेंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। अब आपको बता दें अप्लाई डेट आपका कब से शुरू हो रहा है, तो ऑलरेडी आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 1 मार्च 2024 आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। हमने लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके ज्वाइन करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब आपको एज लिमिट बता दें तो 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट इसमें मांगी गई है, और जो एज इसमें आपका पोस्ट वाइज एज मांगा गया है, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका मतलब एज आपका अलग अलग है, अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। एज आपका इसमें काउंट किया जा रहा है 1/3/2024 से आपका इसमें एज काउंट किया जा रहा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो इसरो और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया गया है। और यहाँ से आपका 10 फरवरी से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अप्लाई डेट। अब आगे आप प्रोसेस देख लीजिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंस आपका पोस्ट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कुछ MTech वाले के, अगर आपने MTech किया है तो आपके लिए ये पोस्ट है, अगर आपके पास BTech है तभी भी आपके लिए इसमें पोस्ट आया है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंस पोस्ट है जो हम सिर्फ ऑनली आपको बता रहे हैं सिर्फ 10th पास वाले के लिए। अभी आगे हम दिखा रहे हैं आपको इसमें जो हम बता रहे हैं 10th पास वाले के लिए, यहाँ पे अभी आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे। ये सब सारा पोस्ट है, इसमें बहुत सारा पोस्ट आया है, जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा पोस्ट, ये पोस्ट वाइज आपका बताया गया है। अब किसी किसी में आपका जो हमने पोस्ट बता रहे थे हमने आपको, ये आ रहा आपका कुक का पोस्ट है, इसमें आप ऑनली 10th पास हो और आपके पास 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए खाना बनाने का, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फायरमैन ए के लिए आपका इसमें पोस्ट आया है, इसमें भी आप अगर 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो बताया गया है। और यहाँ पे जो ड्राइवर का पोस्ट है जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर के लिए, ड्राइवर ए के लिए आपका पोस्ट है इसमें, इसका भी आपका इस रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, ये सारा प्रोसेस आपका होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी आपका बताया गया है ड्राइवर 2 के लिए, मतलब एक लाइट व्हीकल मोकल के लिए, मोटर व्हीकल हाईवे के लिए है, दोनों लाइसेंस है आपके पास, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा बताया गया है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 3 ईयर्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये सारा यहाँ पे आपका डेटा बताया गया है। ये सारा सारा आपका पोस्ट आप जाके चेक कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, चैनल पर नए होगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब। फीस पड़ेगा 100 रुपए, ST ST का कोई फी चार्ज नहीं रखा गया, उनका फॉर्म फीस फ्री रहेगा। क्वालिफिकेशन इसमें अगर 10th पास हो तभी भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर 10वीं प्लस ITI आपके पास तभी भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसमें 1,769,100 रुपये तक पर मंथ आपका इसमें सैलरी दी जाएगी, डिफरेंट डिफरेंस है आपका, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका अलग अलग है सारा। अब पहले सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लीजिए, इसमें आपका पहले रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद में आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपका इसी से रिलेटेड होगा, आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आपने कुक के लिए अप्लाई किया तो आपका कुक के से रिलेटेड आपका इसमें टेस्ट लिया जाएगा,
फायरमैन के लिए अप्लाई किया तो इससे आपका रिलेटेड लिया जाएगा, ड्राइवर के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तभी भी इसका टेस्ट लिया जाएगा, और ड्राइवर टू के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो इसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट होगा, बस ये आपका स्किल टेस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका मेडिकल करा लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आपका इसमें जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस आप समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क रहेगा, 90 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा, 1/3 आपका इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है, सिलेबस डिफरेंट डिफरेंस है, अपने सिलेबस आपका यही रहेगा। मैथ से आपका इसमें 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से आपका इसमें 25 आएगा, रीजनिंग से आपका 25 आएगा, जीके जीएस से आपका इसमें 25 क्वेश्चन आएगा टोटल, इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपको हल करने के लिए, मतलब करने के लिए आपको एग्जाम देने के लिए 90 मिनट आपको पूरा टाइम मिलेगा इसमें, 1/3 आपका इसमें नेगेटिव मार्क रखा, प्रत्येक गलती पे आपका एक नंबर माइनस कर लिया जाएगा। ये सब सारा डेटा जो हमने आपको बता दिया और नोटिफिकेशन और टीम ने आपको दिखाई दिया था, सेम आपका वही प्रोसेस है, टेलीग्राम पे हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए होगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब।